हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और लग रहा है कि बहुत ज़्यादा धूप, ये देख रहे हैं धूप बहुत ज़्यादा निकले हैं। तो आज तो भाई बेटा स्विमिंग करेगा ही, इसीलिए तो स्विमिंग पूल का कवर हटा के थोड़ा सा क्लीन कर दिए हैं, क्योंकि आपको वैक्यूम तो डेली ही चलाना है, चाहे आप उसमें नहाओ चाहे नहीं नहाओ, आपको वैक्यूम तो चलाना ही चलाना है। बट लिक्विड वगैरह का यूज 14 डेज में कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपना गार्डन का कुछ अपडेट दिखाते हैं, कुछ निकला है वो दिखाते हैं। दो तीन चीज अभी निकला है हमारे गार्डन में। टमाटर तो पक गया था, आज ऋषि तोड़ के स्कूल भी ले गया वो। और कुछ फ्लावर निकले हैं और कुछ एक चीज और, एक वेजिटेबल निकला है, तो चलिए दिखाते हैं। पहले तो ये देखिए, ये फूल निकले हैं, दिख रहे हैं। ये हमको बहुत सुंदर लगता है, ये ना गुच्छा में ऐसे ही निकलता है। और ये देखिए हमारी तुलसी माता इतनी बड़ी हो गई है। और ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये कुकुम्बर का है, तो कुकुम्बर का दिखाते हैं आप लोग को। देखिएगा, दिख रहा है कुकुम्बर, ये दिख रहे हैं क्या है, शिमला मिर्च, ये निकला है। ये और दो तीन निकल रहा है अभी, लेकिन ये एक फर्स्ट अभी निकला है। और सीम तो भाई कमाल का ही निकल रहा है, प्रियंका जी को दे भी दिए, उसके बाद फिर निकल गया। हर 3 डेज में सीम इतना इतना देख रहा है निकलता है। तो ये था एक छोटा सा अपडेट हमारे गार्डन का। तो जब भी कुछ निकलता है ना, तो लगता है आप लोग के साथ शेयर करें। तो चलिए, अभी तक रिसित बबुआ नहीं आए हैं, इसके पापा ऑफिस में और मैं अकेली, तो थोड़ा सा जाते हैं, वीडियो का एडिटिंग करते हैं, फिर आपसे मिलते रहते हैं, वीडियो कंटिन्यू रहेगा। और ये देखिए, ये इंडोर प्लांट है, अगर 2 दिन में 3 दिन में इसको वॉश नहीं करिए ना, ये देखिए कहाँ से धूल आता है, हमको समझ में नहीं आता है, देख रहे हैं। अगर वॉश नहीं करेंगे ना, तो इसका हालत बहुत खराब हो जाता है, इतना गंदा दिखने लगता है कि मत पूछिए। और यहाँ पे देखिए पूजा का बर्तन हम क्लीन कर रहे हैं, और ये देखिए कैसा हो जाता है, दिया जला के पूरा काला काला और पूरा घी तेल से पूरा चिटचिट करने लगता है। तो क्लीन कैसे करेंगे, तो वो प्रोसेस हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे सबको क्लीन करना। तो यहाँ पे हम पानी को गर्म कर रहे हैं, इसमें जाएगा टमाटर और ये हमारा लेमन जाएगा। इसमें दो प्रोसेस आप लोग के साथ शेयर करेंगे। इसमें पहला प्रोसेस से पहले इसको बॉईल कर देते हैं, और इसमें थोड़ा सा जाएगा ये इमली। बहुत लोग तो पीताम्बरी से करते हैं, पीताम्बरी जो आता है ना इंडिया में क्लीन करने वाला, उससे करते हैं, लेकिन यहाँ पे मिलेगा नहीं पीताम्बरी। पीताम्बरी यहाँ पे कहाँ से लाएंगे, तो घरेलू नुस्खा जो होता है उससे कर रहे हैं। क्लियरली भी डाल दिए, और ये जितने भी बर्तन है इसमें डाल के इसको बॉईल करेंगे अच्छे से। बहुत लोग क्या करते हैं, कुकर में सीटी लगा देते हैं, बट हमें करना है बॉईल। बॉईल करने के बाद बहुत अच्छा से जब खोल जाए, तो उसको ठंडा करके फिर दूसरा प्रोसेस वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो पहले चलिए इसको डाल देते हैं, ये सारे बर्तन आ गए हैं, इसमें इसको बॉईल होने देते हैं। फ्लेम को कम कर दिए हैं, इसको 15 मिनट जैसे ही बॉईल होने देते हैं। कहाँ रखे हैं, ये देख रहे हैं, ये पूरा बैग आया है, ये पूरा प्लास्टिक जो है ये पूरा रिसीव के स्कूल से आया है। अब तो स्कूल छोड़ रहा है ना, तो सब कुछ A to Z, एक डब्बा तक दिए थे वो सब भी देखिए वापस आ गया है। इसको खाली करती है, देखो फिट हो गया, देख रहे हैं।
चलिए इस पे थोड़ा सा हम चेंजिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा डेकोरेशन इस पे कॉर्नर का। तो चलिए शाम हो गया, पापड़ उठा लेते हैं। पापड़ मेरा बिल्कुल ही सूख चुका है, देख रहे हैं एकदम मस्त कर 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 एकदम हो गया है। और ये देखिए लास्ट टाइम जो बनाए थे ना, इतना दिखाए थे डब्बा में, देखिए इतना बचा है, सबका सब खत्म हो गया। ये लोग खाने पे टूट पड़े हैं, बस खाते हैं बहुत। रिसीत को भी अच्छा लगता है, इनको तो खैर अच्छा लगता ही है। मतलब इतना 3 केजी का बनाए थे, 3 केजी साबूदाना, सब खत्म हो गया। ये देखते हैं फिर बनाए हैं, धूप था तो बना दिए, अदरवाइज धूप तो हो नहीं रहा है, देखते हैं अभी कितना दिन चलता है। चलिए नाश्ता हमारा बन गया है, आज स्पेशल नाश्ता बनाए हैं। वो ऑफिस से आए, बोलते मेरा क्या हो, तो बोले हाँ मेंटल हरासमेंट हो गया है मेरा, तो उनका भाई मेंटल हरासमेंट हो गया है। वो आ रहे हैं हरासमेंट वाला, देखिए पता नहीं एक काम आज नहीं किए, एक काम कर नहीं किया, उनका मेंटल हरासमेंट हो गया। तो आज हम स्पेशल नाश्ता बनाए हैं, दिखाते हैं। सबसे बस काम ही काम कर रहे हैं। अच्छा आज जो नाश्ता बनाए हैं ये देखिए, ये है बनाए हैं पूरी दही। तो पूरी दही के लिए ये देखिए, पहले पूरी ये पानी पूरी वाला जो पूरी होता है, नॉर्मल पूरी नहीं, पानी पूरी वाला पूरी दही। और इधर है हमारे प्लेट में सारा, पूरा दिन जो है ना मेरी बीवी ने मेरा समय खा गया आज, पता है मेंटल हरासमेंट हो गया मेरा एकदम। अभी शाम में आया है ना तो थोड़ा देर जो है हम सोचे कि लेटते हैं, तो बोली नहीं लेटना नहीं है, वीडियो खत्म कीजिए, कल बहुत करना है काम। ये देखो लेकिन जो है ना चकाचक थाली देख रहे हैं, आज नहीं लग रहा है कि एक आदमी में जान नहीं है, पता नहीं क्या है। ये मस जो है ना, ये अन्नपूर्णा देवी देवी जो है ना थाल अपना लेके बैठी हुई है ये इंतजार कर रही है कि देव कब आएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। मेरी देवी ये जो है ना अन्नपूर्णा देवी के अवतार हमारे घर में आई है। क्या मैडम आगे क्या करना है? मेंटल हरासमेंट हो गया, पता नहीं ऑफिस में कौन पागल आज भर इनको दर्शन दिया है, जब से आए हैं पागल पसंद का दौरा पड़ा हुआ, मेंटल हरासमेंट हो गया ऑफिस में। क्या पागल तो इस पागल की पगली क्या हो गया भाई मोबाइल के साथ हम लोग ना कुछ ज्यादा ही खेल रहे लग रहे हैं, है ना? हाँ हम पगली, ठीक है मैं पागल, तू इस पागल की पगली, अपने आप नहीं दिख रहे हो यार, नहीं दिख रहे यही है दिस द वीडियो, ऐसा ही वीडियो बनता है ना। चलिए दिखाते हैं क्या, तो आज हम लोग अगली पगली खेल रहे हैं, ठीक है इग्नोर मारिए। हाँ मैडम बताइए, पीछे दिखाई नहीं यार दीदी, आज बना रहे हैं, आज बना है हमारे यहाँ, पता है क्या है आपको? पता ही नहीं होगा, बस खाइएगा लप लप कर। हमको पता है, हमको पता है क्या बना है। ये चाट बन रहा है कुछ तो कौन सा चाट? ये है मसाला चाट एक नया तरह का चाट जो है ना, मैंने इसे सिखाया, इसे मैंने राह दिखाया बहुत हो गया। अब बता दीजिए सीरियसली क्या है ये नया? दही पूरी बना रहे हैं, दही पूरी। क्या? दही पूरी चाट। अच्छा देखिए इसमें हमको यहाँ पे दही दिख रहा है। हाँ, पूरी ये दही है लेकिन पूरी नहीं है, वो फुचका पानी पूरी। हाँ, हो गया इसी में बनेगा, तो आप देखिए कैसे दही पानी पूरी। हाँ तो ये देखिए, ये आलू और ग्रीन बीन्स लिए, दाल था वो लिए थे होल दाल, और उसमें मसाला ऐड किए, पानी पूरी मसाला, चाट मसाला, गरम मसाला, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, ये सारा मिक्स कर चुके हैं। और यहाँ पे ये इमली का जो चटनी है ना, इमली का चटनी, टमाटो है, ऑनियन है, ये हमारा वो बुनिया है। हाँ बूंदी है, उसको पानी में थोड़ा सोक कर दिए। ये हमारा चटनी है धनिया वाली, तो धनिया में इसमें टमाटर मिक्स है और मिर्च मिक्स है। और ये हमारा तो ऑल टाइम फेवरेट ढाबा स्टाइल, जो होटल वगैरह में लाल चटनी मिलती है वो है, और इमली का चटनी। लाल चटनी है बाबा, नॉट इमली चटनी।
और ये लाल चटनी है, काला चटनी? हाँ वो काला चटनी। और ये हमारा दही, और ये इसमें हमारा आमचूर पाउडर, जलजीरा पाउडर, जीरा पाउडर, उससे लाल मिर्च, ये मिक्स मसाला ऊपर में तड़का के लिए। चलिए तो पहले मसाला पूरी बनाते कैसे हैं? हाँ, क्या प्रोसेस है मैडम? पूरी दही, नॉट मसाला, इनका वाला बोल पूरी दही। पहले आप मानते हैं ना? हाँ, क्या कि मैं जो है ना आपके जीवन में एकदम समा चुका हूँ, आप में एकदम जो है ना क्या बोलते? ये देखिए बोल कर लिए। अब ये दिखाइए, ये जो है देखिए, दो पानी को जो है ना उसमें छेद कर दिए। हाँ मैडम, आप इसमें जाएगा ना, पहले सबको होल करने दीजिए ना। बेचारी मेरी बीवी हो रही है परेशान। क्यों क्यों? क्योंकि यार तुमने क्यों नहीं किया का? क्योंकि YouTube जो है ना चल नहीं रहा है। बोल रही कि मेरा वीडियो कोई नहीं देख रहा है। मैं बोल रहा हूँ पगली, पगली कोई देखे ना देखे, मैं हूँ तुम्हारा परमानेंट दर्शक। जो खुद वीडियो में आते हैं मैं देखूंगा तुम्हें। तुम घबराओ मत। इसी पॉजिटिविटी के साथ मेरी बीवी जो है ना बोली कि चलो और आगे बढ़ते हैं भाई, प्लीज देख लिया कीजिए वीडियो, लाइक वाइक कीजिए, शेयर वेयर कीजिए, है कि नहीं? याने? ये बोल रहे तो कर ही लीजिए भाई, ये कभी कभी बोलते हैं, ऐसे तो कभी बोलते नहीं है। चलिए आगे प्रोसेस दिखाते हैं आप लोग को। क्या मैडम, छेद हुआ? हाँ, किस्मत में जो छेद किए जा रहे हैं बेचारा पानी पूरी। चलिए छेद में ही हो गया पानी पूरी, अब आगे थोड़ा सा अब समय जो है आलू समाहित करेंगे हम लोग, सब समाहित करेंगे। चलो समय भर दिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद भरे नहीं है ना, बहुत धीरे काम करती है, बोल रहे हैं ना लड़की से कुछ ना होने वाला है। नहीं होने वाला तो लीजिए, लगाने में इतना मेहनत लग रहा है, खाने में तुरंत खा जाएंगे। मैंने खाने में मेहनत करेंगे हम लोग भाई, टेंशन मत लेते। खाने में कैसे मेहनत हो सकता है, तुरंत खत्म हो जाएगा। आराम से खाएंगे हम लोग, डोंट वरी, पूछ के रात तक में खाएंगे, खाएं कि नहीं रात तक, कल सुबह तक मेरा प्लान था, सुबह तक चलाएंगे। सोचिए ना इतना छोटा छोटा टाइम लग रहा है सब कुछ कटिंग करने में उसके खा जाएंगे एक सेकंड है ना। सही में हमको लगता है छोड़ो भाई खाना पीना है ना, पैसा भी सेव होगा डार्लिंग, तू पैसों बहुत खर्चा कर रही है, क्या बोलते हैं? वहाँ नहीं करेंगे तो डेकोरेशन में करेंगे, शॉपिंग में करेंगे। हम थोड़ा चुकते हैं। नहीं नहीं खाते हैं जानू, छोड़ो डेकोरेशन छोड़ो, खाते हैं। अब जाएगा टोमेटो, इसमें प्याज भरा है अभी, अब टमाटर डाल रही है इसमें। आइए, किसके मुंह में पानी आ रहा है हमारे घर में, आइए जल्दी से। अरे कोई बात नहीं, मुंह में पानी नहीं आ रहा तो आ जाइए। हाँ नहीं भी आ रहा तो भी चलेगा, आ जाइए। जाना मजा आ रहा है कुंजी में, हमको लाइफ में बहुत लेकिन मजा आ रहा है, पता है? ऐसे ही बोले तो इधर कुछ दिन से ना शॉपिंग हुआ नहीं है, डेकोरेशन का सामान आया नहीं है, अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, शॉपिंग नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है मेरे लाइफ में। जब भी कुछ मांगते हैं बोलते पैसा नहीं है। जानो मुझे मिली है एक सुंदर नारी, हो गया मैं अत्याचारी। वारी नारी अब अत्याचारी। चलिए हाँ, अब नेक्स्ट जाएगा इसमें ये जो बना है ना बूंदी बूंदी, मतलब एक छोटा सा इसका पेट, उसमें कितना चीज जाएगा। अरे जाने मुंह में समाएगा बे वो। हाँ मुंह में समा गया तो मुंह बंद होगा, सब हो इतना अच्छा लगेगा ना कि तुरंत बंद हो जाएगा। जानो वो तो ओवरफ्लो हो रहा है। हाँ ऐसा ही होता है एकदम मस्त। चलिए इसमें जाएगा अब ये असली दही जाएगा। नहीं ये जानो अब मस्त अब दही डाल रहे हैं। हाँ दही में थोड़ा सा सॉल्ट मिला दिए थे पहले ही। अच्छा किसी को बोलते हैं दही पूरी। दही पूरी चाट। सुनना सुनना जानो, दही पूरी तो समझ में आ गया, ठीक है, पूरी दही बोल सकते हैं कि नहीं? पूरी दही कंफ्यूज मत करो इंसान। ये देखिए ये गया, ये रहा इसमें तीखा तीखा चटनी, अब मुंह में पानी आ रहा है मेरे को। ये अब इसमें जाएगा, ये देख रहे हैं? वाह, इमली का चटनी फिर से। इमली का चटनी नहीं, लाल चटनी, लाल चटनी बोले तो, नॉट इमली चटनी। इसका रेसिपी हम कभी नहीं शेयर करेंगे। करेंगे जिनको चाहिए उनके लिए करेंगे। जैसे ठेला पे नहीं मिलता है समोसा वगैरह,
इंडिया जाते हैं ना तो यही लाल चटनी और समोसा देता है, एक दिन बनाएंगे लाल चटनी। समोसा वाला चटनी है ये देखिए। अब हुआ ना स्टार्ट करेंगे। अब लग रहा है सेवई पूरी नहीं, सेवई पूरी नहीं था दही पूरी था। हाँ लेकिन दही नहीं दिख रहा ना, अब सेवई है, सेवई दिख रहा था। जानू, आप तो निर्माता बन गए। वो क्या होता है? आप इस पूरी चाट दही चाट के हाँ निर्माता हैं आप। आप जल्दी खा के बताइए कैसा बना है। इधर रखिए कैमरा। खतरनाक, नॉट बैड। ए सही से बताओ भाई, गजब टेस्ट आ रहा है। खतरनाक आ रहा है भाई। हाँ खट्टा मीठा करना भरपूर है एकदम, स्वादों से भरपूर। पानी पूरी को भी मत दे दिया। और ये देखिए, ये हमारा पूजा का बर्तन पूरा ठंडा हो चुका है, देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप ये देखिए, कलर अभी चेंज लग रहा है, देख रहे हैं कितना काला था। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे वो शेयर करते हैं। और यहाँ पे देखिए, सेकेंड स्टेप के लिए यहाँ पे हम आटा लिए हैं और इसमें ऐड करेंगे नमक 3 टेबल स्पून। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे वेनेगर। अगर आपके पास वेनेगर नहीं है तो आप लेमन जो आता है लेमन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वेनेगर यूज कर रहे हैं। तो पेस्ट बना के फिर इसको लगाना है। और ये देखिए, ये हमारा घोल बन गया है। इसको सब पे इसको लगा के 5 मिनट तक इसको छोड़ देंगे हम। उसके बाद क्लीन करेंगे। ये देखिए कितना क्लीन हो गया, ये कितना काला पड़ गया था, ये भी देखिए अपने कलर में मस्त चमकने लगा। तो चलिए वीडियो को अब यही एंड करते हैं। कैसा लगा आज का ब्लॉग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं आपसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।